सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स। सगळे क्लेम करतात, मी पण सांगेन आमच्या आले बर गया बोले क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि भाजपा के घर से आजादी की लड़ाई में कुत्ते तक की मौत नहीं। अगर देखो ये तो पुराना एक विवाद है, आजादी की लड़ाई में कौन था और कौन नहीं था, और ये बात सही है कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी का योगदान सबसे बड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में ही थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, अब जितने भी नाम जुड़ते जाइए वो कांग्रेस के ही सेनापति रहे। जरूर वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे कुछ ऐसे क्रांतिकारी वो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं, वो अपना क्रांति का कार्य अलग तरीके से करते। बात ऐसी है कि अगर खड़गे साहब ने ये बात कही है तो उसमें प्रतिवाद करना चाहिए बीजेपी ने कि हमारे इतने इतने लोग फांसी पे गए, हमारे इतने लोग जेल में चले गए। बता दीजिए आजादी की जंग, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये बड़ी बात है देश के लिए, और आजादी के अमृत महोत्सव में आप बहुत से कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नकार नहीं सकते इस अमृत महोत्सव की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बलिदान। ठीक है, कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद है, हो सकते हैं, लेकिन जो सेनापति रहे, जो सरदार रहे, जो आंदोलन रहा क्विट इंडिया तक, वो तो कांग्रेस के लीडरशिप में हुआ। जनता कांग्रेस के लीडरशिप में ही मरने के लिए तैयार थी, जेल जाने के लिए तैयार थी। ये इतिहास है और इतिहास कोई बदल नहीं सकता। हमने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास को कैसे आप बदलेंगे? आप लोकमान्य तिलक का इतिहास कैसे बदलेंगे? आप सरदार पटेल का इतिहास, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जेल में रही, आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं? आप संसद भवन बदल सकते हो, आप राजपथ का नाम बदल सकते हो, लेकिन इतिहास आप नहीं बदल सकते। आप किताबें बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते।